सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार एकदम बढ़िया होगे, आगे भी बढ़े रहना। तो आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रमजान इवेंट के M107 स्किन के बारे में। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को रमजान इवेंट की M107 की स्किन जो है कैसे देखने को मिलने वाली है अपने इंडियन सर्वर के ऊपर, कितने डायमंड्स में देखने को मिलेंगे। एंड आप लोग का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास वो ये आ रहे थे कि भाई आप लोग को इसको निकालने चाहिए या फिर नहीं, क्या इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो कोई और गन से मैच खाते हैं, आई मीन सिमिलर है। तो इस चीज़ के बारे में बात करने वाले, तो आप लोग वीडियो को टिल एंड वॉच करना जिससे जो आप लोग की इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को पूरे तरीके से पहुंच पाए। बाकी चलो यार आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को पर नए आ रहे हो तो बस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल पे सेट करके अपने दोस्त लोग में जरूर से शेयर करना, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। बाकी चलो यार आज के इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि भाई अपना जो गेम के अंदर आप लोग को मिनी एमबी देखने को मिलेगा वो 60 से लेकर 70 MB तक का आप लोग को देखने को मिलने वाला है। उसके अंदर आप लोग को रमजान इवेंट के जो आइटम्स उसको अपडेट किए जाएंगे। यहाँ पे रेट ऑफ फायर आपको डबल प्लस देखने को मिल रहा है, रिलोड स्पीड प्लस है एंड यहाँ पे जो एक्यूरेसी उसको माइनस की गई है। बेसिकली ये रमजान इवेंट के M107 है, ठीक है। अब जो मिनी अपडेट आएगा ना तो उस मिनी अपडेट के अंदर आप लोग को छोटा सा अपडेट होगा जो कि गेम के अंदर ही आप लोग जब गेम को ओपन करोगे तो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक एंड उसके बाद आप लोग गेम को ओपन कर पाओगे, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें आप लोग को बता दो अपडेट के अंदर आप लोग को जो रमजान इवेंट है इंडिया का वो आप लोग को देखने को मिलेगा, उसका जो रिवॉर्ड इंडिया सर्वर के ऊपर डाले जाएंगे, क्रेडिट स्कोर जो सिस्टम मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस सिस्टम के बारे में मैंने आपको काफी टाइम पहले बता रखा है। तो भाई लोग ये जो सिस्टम है इसको भी अपडेट किया जाने वाला है, तो कुछ ऐसा सीन रहेगा। अब बात करते हैं M107 कब और कैसे आने वाली, इसको निकालना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो M107 के जो एट्रीब्यूट्स है वो मेरे को ठीक ठाक से लगे। बट अगर आपको याद होगा तो रैपर अंडरवर्ल्ड नाम की भी एक M107 की स्किन है जिससे जिसके मतलब के एट्रीब्यूट से काफी सिमिलर लगते हैं हमें। तो भाई उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो देखो M107 जो अपने रैपर अंडरवर्ल्ड वाली है, ठीक है। तो अगर आपके पास वो है तो आप लोग बिल्कुल मत निकाला मेरे ओपिनियन से, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको मालूम है कि रमजान इवेंट की जो मतलब M107 है देखने में ठीक है, बट रैपर अंडरवर्ल्ड वाली कुछ अलग ही लुक देती है, ठीक है। तो उसका लुक जो है काफी खतरनाक लगता है मुझे, इसी वजह से मैं उतना प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लोग इसको आके निकालो। और बाकी आप लोग देख लेना, बाकी अगर आपके पास नहीं हो तो आप लोग निकाल सकते हो। अभी बात करते हैं कैसे और कब देखने को मिलेगी। तो देखो आप लोगों को मैं बता दूं हमारी जो M107 की स्किन्स होती है, ठीक है, वो एक्चुअली एक ही इवेंट के अंदर आती है, एक दो इवेंट्स होते हैं। अब जैसे कि आपको याद होगा कि भाई एक लूडो टाइप का इवेंट होता है, ठीक है, जो कि रोल द डाइस इवेंट होता है। इसके अंदर भी आप लोग को ट्रॉपिकल पैरेट वाली M107 देखने को मिली थी। तो ऐसे कुछ M107 के जो स्किन्स वगैरह ऐसे इवेंट्स के अंदर आ जाती है। वरना तो गाइस एक इवेंट है जो कि अभी टोकन टावर इवेंट है, जो कि अभी काफी टाइम से इंडिया के ऊपर नहीं आया है, जिसके अभी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के जो रमजान इवेंट का यहाँ पे M107 का स्किन है वो आप लोग को टोकन टावर इवेंट के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मेरे ओपिनियन से अगर आप लोग पूछोगे तो भाई मैं आप लोग को बता देता हूँ टोकन टावर इवेंट के अंदर आने के ज्यादातर अभी चांसेस बन रहे जहां तक मुझे लगता है। एंड बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूं अपना रमजान जो इवेंट है उसका कैलेंडर वगैरह आप लोग को गेम के अंदर देखने को मिलेगा और जो कैलेंडर का पीक डेट रहेगा, ठीक है, जो भी रमजान इवेंट का पीक डेट रहेगा उसके आसपास से लेकर 7 डेज, ठीक है, मतलब जो पीक डेट है उसके पहले जो 7 दिन रहेंगे उस टाइम पे आप लोगों को जो टोकन टावर इवेंट है फिर M107 का जो इवेंट है वो देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही वहाँ पे एक और रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। अब वो रिवॉर्ड कोई भी हो सकता है, इमोट हो सकता है, क्रूवल की स्किन हो सकती है, तो वो क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता। दो मतलब रिवॉर्ड्स के साथ आप लोग को M107 देखने को मिलने वाली है, तो कुछ इस टाइप का सीन आप सभी लोग के लिए रहेगा। बाकी गाइस आप लोग को जो अपना अप्रैल मंथ चल रहा है इसके एंडिंग तक देखने को मिल जाना चाहिए, वरना गाइस अपना जो नेक्स्ट मंथ है उसके फर्स्ट वीक में आप लोग को 100% जो अपना M107 का स्किन है वो देखने को मिल जाएगा। एंड इसका एनिमेशन मेरे को ठीक ठाक से लगे बट एवरेज है देखने में, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा सबसे बेस्ट स्किन है, एवरेज लग रही है लुक वाइज और गाइस यहां पे एट्रीब्यूट वाइज भी यहां पे एवरेज है। बाकी इससे अच्छी अच्छी गन भी पड़ी हुई है जैसे वन पंच मैन वाली, तो कुछ ऐसा है। ओके, तो आई होप आज की वीडियो से आप लोग को हेल्प मिली होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी सेट करना एंड ट्राई करूंगा वीडियो बीच बीच में छोड़ता रहो, बता देना नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहिए। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।